ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि अभी नया प्रॉपर्टी सर्च करना शुरू किए हैं, फ्लैट सर्च कर रहे हैं और अपने आप में कंफ्यूज हैं कि रेडी टू मूव ले या अंडर कंस्ट्रक्शन ले, कौन लेना सही रहेगा, क्या उनके लिए वीडियो है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार प्रॉपर्टी फॉर पटना से। अभी आप लोगों को हम इस दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं कि कंपेरिजन करके बता रहे हैं कि कौन सा लेना सही रहेगा, क्योंकि पहले के जो लोग थे रेरा आने के पहले जो भी लोग थे उन लोग को थोड़ा रहता था कि नहीं रेडी टू मूव ले, चूँकि उसमें आपका जो फ्लैट है वो बना हुआ मिलेगा और आज लीजिए, आज से चाबी लीजिए, रहना शुरू कर दीजिए, रजिस्ट्री आज लीजिए, आज से आप उसमें रहना शुरू कर सकते हैं। रिसेंट में बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं बिल्डर पे से विश्वास बढ़ा है और बिल्डर लोगों को रेरा आने के बाद एक उन लोगों में हुआ है कि जो कमिटमेंट करते हैं उसको फुलफिल करके दे और सही समय पर हम लोग डेवलप करके दे, ऐसा बिल्डर लोग भी अगर होता है। पहले क्या है कि हम लोग 3-4 फायदे हो जाते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में लेने से। सबसे बड़ी बात है कि अगर जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं उनको टैक्स में बेनिफिट हो जाता है अंडर सेक्शन 80C और 20B के अंदर, जो कि एक अच्छा खासा मिल जाता है। और दूसरी बात है कि उसमें आपको कंस्ट्रक्शन फ्लेक्स जो पेमेंट प्लान है वो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और उसमें आपको ऑप्शन भी मिल जाते हैं चूज करने का कि जिस लोकेशन में जिस साइज का अगर थोड़ा बहुत आप अंदर में चेंज करना चाहे तो कस्टमाइजेशन करना चाहे तो वो भी आप इजीली रूप से कर सकते हैं। और प्राइस का आप अप्रिसिएशन जाए तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर सपोज कीजिए आप 1500 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट ले रहे हैं और जिसका की रेट अगर अभी 4500 रुपये स्क्वायर फीट है तो अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो उसका प्राइस आ रहा है 67,50,000। वही अगर आप कोई अंडर रेडी टू मूव फ्लैट ले रहे हैं, अगर आप कोई रेडी टू मूव फ्लैट ले रहे हैं तो कम से कम मिनिमम भी आएगा आपको कम से कम भी रेट आएगा तो 6,000 रुपये स्क्वायर फीट। वही फ्लैट अगर 1500 स्क्वायर फीट का आप 6,000 रुपये स्क्वायर फीट के रेट से लेते हैं तो उसका 90 लाख रुपया उसका प्राइस आ रहा है। तो और अगर एक प्रॉपर्टी को डेवलप होने में अगर आपको 3 साल का भी समय लगा तो भी उसमें अगर आपको 3 साल भी अगर समय लग रहा है तो अगर 15,000 के पर मंथ पे आप कहीं रेंट पे भी रह रहे हैं तो आपको कम से कम उसमें आपको 15-20 लाख का बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप रेंट दे रहे हैं तो रेंट वो दे रहे हैं आपको 5,40,000 का और वो दोनों का जो डिफरेंस है आपको 90 लाख से अगर हम 67 लाख और 50,000 को अगर माइनस करते हैं तो 22,50,000 आ रहा है। उसमें से अगर हम रेट को हटा भी दें जो कि 5,40,000 है तो आपको कम से कम 17-18 लाख का पहला ये बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट है, आपको चूज करने का भी अच्छा ऑप्शन मिल जा रहा है। जैसे अगर मेरे अनुसार सोचेंगे या अगर मेरा सजेशन लेना चाहेंगे तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि आपको कि आप रेडी टू मूव नहीं जाके अंडर कंस्ट्रक्शन ही जाइए, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। अगर आपके पास 1.5-2 साल का अगर समय है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अंडर कंस्ट्रक्शन चाहिए और प्रीवियस जो था उस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए कि आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रेरा आने के बाद से आपको प्रोजेक्ट जो है जो कमिटमेंट आपको बिल्डर करते हैं वो फुलफिल करके देते हैं, सही समय पर डिलीवर देते हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं जस्ट तुरंत के लेकर और तुरंत हम आना शुरू कर दो तो आप रेडी टू मूव ले सकते हैं, रेडी टू मूव भी एक ऑप्शन है।